Hello, my dear, good morning, all of you. Today, this is lecture 5. Topic is vector. Previously, class में हमने discuss किया था, क्या था product of two vectors में खूब calculus का application हमने use किया था. Multi angle question की बात जहाँ करेंगे, मैंने permission permission की बात की थी vector में, मैंने integration की बात की थी, मैंने limit की बात की थी vector में. Vector में जितना सारा concept जो mixing concept का आता है, आपका 2020 में जो जुलाई राउंड में क्वेश्चन आया था कंपाउंड एंगल का, जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को यूज किया गया था. क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था a cos थीटा इक्वल्स टू b cos थीटा प्लस 2 पावर 3 इक्वल्स टू c cos थीटा प्लस 4 पावर 3, है ना. ये दिया हुआ था और कंडीशन था a के बारे में, वेक्टर एक वेक्टर था ai + bj + ck, ऐसे कंडीशन था. वहां उसका a डॉट b मतलब आपका दो वेक्टर का प्रोडक्ट चाहिए था, डॉट प्रोडक्ट चाहिए था. कुछ ने कंपाउंड एंगल का बड़ा ही ब्यूटीफुल तरीका से, बड़ी खूबसूरती के साथ उस क्वेश्चन यूज किया गया था. तो आईआईटी का पैटर्न धीरे-धीरे डे-बाय-डे चेंज हो रहा है. अब आईआईटी में चाहे मेंस का एग्जाम हो, एडवांस का एग्जाम हो, अब आप देखते हो हमेशा क्या, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में नयापन होता है. नयापन क्या होता है भाई? क्वेश्चन में कैलकुलस का पुट डाल देगा, क्वेश्चन में दिखेगा वेक्टर, रहेगा आपका परमिशन एंड कॉम्बिनेशन, या बात करेगा प्रायोरिटी की बात करेगा. तो ये तरीका होगा. आज अपन बात करेंगे, टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ थ्री एंड मोर वेक्टर्स. थ्री एंड मोर मतलब क्या होगा? फोर वेक्टर्स, फाइव वेक्टर्स, सब की बात करेंगे. इसमें सबसे पहला काम आपका आता है एसटीपी. एसटीपी का मतलब क्या होगा बच्चे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. क्या होता है? क्या होता है बोलो? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. वेरी गुड, ये हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात किया हमने. अब इसका वर्क कैसे होगा देखते हैं. ये वर्क कैसे होगा भाई, इसके लिए मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा पैरोग्राम. ये हमने एक पैरोग्राम के लिए ऐसे बनाया, अपना पैरोग्राम बना दिया. आइए थोड़ा सा इसको और ठीक करें भाई साहब, इसको थोड़ा सा और ठीक करेंगे. ये ऐसे लेंगे, ये आ गया दिस वन, दिस वन. ये लिखोगे O to A, या आ गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, D, E, F, G. इसे बोलेंगे वेक्टर A, इसे बोलेंगे वेक्टर B, इसे बोलेंगे वेक्टर C. और ये हमारे पास क्या हुआ, इस प्लेन पे हो गया परपेंडिकुलर. इसको ऐसे लिखेंगे, चाहे इसको ऐसे दिखाना चाहेंगे आप, इसको ऐसे दिखाया, ये हो गया ए बी प्लेन पे परपेंडिकुलर, ये वेक्टर हो गया, जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर A, राइट ना. अब मैं सिंपल सी बात एसटीपी की बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात करूंगा. अगर आप तरीके से देख पा रहे हो लेक्चर, ओके जस्ट आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशंस माय डियर, ओके सो जवाब देते जाना बीच में. जो ऑनलाइन के बच्चे हैं और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, दोनों बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, जहां जहां आपको लगे परेशानी हो तो हैंड रेज करने का और रिस्पॉन्स देने का, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्स नहीं दोगे मुझे कहाँ पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके ना. तो मैं यहाँ बोलता हूँ सबसे पहले काम, इसको बोलेंगे वॉल्यूम. क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ठीक है ना. तो पैरेलल पाइप हो गया आपका, जैसे क्यूब से बनता है क्यूबॉइड, तो आपका पैरेललोग्राम से बनेगा पैरेलल पाइप, बिल्कुल सही है. अब यहां देखो क्या करने का, ये अपने पास होता है, इसको वॉल्यूम की जब भी बात करोगे लिखोगे बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, इंटू हाइट. बेस एरिया क्या है बच्चे? बेस एरिया हमारे पास हो गया ए क्रॉस बी, बिल्कुल सही है. और इसके बाद ये निकालोगे तो आपके पास आर क्रॉस थीटा होता है, अपन काम चलाते हैं सी से, ये हो गया डॉट में सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको लिखा आपने. आपकी मर्जी थी सर हम ऐसे नहीं लिखना चाहते, कैसे लिखना चाहते हैं, बी क्रॉस सी को डालना चाहते हैं परपेंडिकुलर इस फॉर्म में. आपने क्या लिखा भाई? ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते, बी क्रॉस सी के साथ ले लिया, बी क्रॉस सी का जो अपना एरिया निकाला बेस का उसको डाला परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट. अब लिखते हैं क्या, विच इज ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड एज कैसे भैया, कैसे करोगे? ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर ए, आपका बॉक्स में डाला हमने, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी के साथ. कैसे करते हैं? ए बी सी के साथ. अब इसकी बात मैं करूंगा, देखो क्या करोगे. अब
अब पहले कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन गारंटेड होता है इस टॉपिक से, इसलिए दो लेक्चर का टॉपिक है। बढ़िया से देखो रहो, बढ़िया से बार बार रिवाइज करोगे, आपका बहुत ही शानदार हो जाएगा फिर आपका ट्रिपल प्रोडक्ट एंड फोर प्रोडक्ट। अब मैं इसकी बात करूंगा, देखो क्या अपने पास आ गया। अब यहां से लिखता हूं क्या, मैं यहां लिखूंगा क्या ए बी सी। अब ये ए बी सी है क्या भाई साहब, इसको लिख सकते हैं आप ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। वेयर वेक्टर ए का मतलब हो गया ए वन आई ए टू जे, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका ए थ्री के, सही है ना, ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के। सिमिलरली बी की बात करोगे तो ये हो गया आपका बी वन आई बी टू जे और बी थ्री के, और सिमिलरली सी लिखेंगे आप। तो जब भी आप बॉक्स की बात करोगे, एसटीपी की बात करोगे, जब भी आप ए बी सी की बात कर रहे हो ऐसे बॉक्स फंक्शन के फॉर्म में, इसका वैल्यू हो गया आपका डिफरेंट वैल्यू में ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, बिल्कुल सही है। अब मैं जरा इसको आगे बढ़ू, अब मैं इसको लाऊंगा आगे, देखिए क्या करेंगे। अब इसको लाया क्या, यहां से लिखना चाहता हूं, जैसे भी आप जानते हो डिफरेंट के फॉर्म में किसी दो रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो निगेटिव होता है ना, तो होएगा आपका। अब देखो क्या करना, ए बी सी इसको लिखते क्या है, अपने आप रोटेशन के फॉर्म में लाता हूं मैं, यहां लिखा आपका डायग्राम बना दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो देखो तो कैसे डायग्राम हुआ, ये ऐसे चलेगा, ये हो गया पॉजिटिव, उल्टा चलेंगे तो ये बन गया आपका निगेटिव। ए बी सी फिर से चलेगा आपका बी सी ए, डायरेक्शन सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ने का, डायरेक्शन सेम है, यही हो गया आपका सी ए बी। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सी ए बी, डायरेक्शन सेम है बच्चे। लेकिन हमारी मर्जी, हम चाहते हैं क्या, इसको लिखना चाहता हूं मैं ए बी सी, आ गया ए बी सी, आ गया, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करोगे, उल्टा इंटरचेंज करोगे, बी एस सी करना चाहोगे तो ये हो गया माइनस में दिस, बी एस सी लिखोगे। अब जरा चेक करो क्या है, बी एस सी उल्टा डायग्राम हो गया, क्लॉक वाइज आ गया, सो ये नेगेटिव में आ गया, सही है। आपकी मर्जी नहीं सर, को एक काम और करते हैं फिर से, अब ए सी को चेंज करो, तब लिखोगे बी सी ए, जैसे करोगे बी सी ए तो देखो तो डायग्राम फिर से सीधा हो गया, फिर हो गया बी सी ए उल्टा, फिर से आ गया एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ये आपके पास फिर सेम रह गया। अब यहां कंडीशन लिखता हूं मैं, इफ ए बी सी जीरो, ए बी सी जीरो कब होगा, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर। क्या होगा, अगर ये जीरो होता है तो क्या करेंगे, अगर जीरो होता है इसका मतलब हो गया वेक्टर्स ए बी एंड सी आर क्या हो गया, ये हो गया आपका कोप्लेनर। अदरवाइज कह सकते थे आप कि नहीं, एटलीस्ट टू आर पैरेलल, एटलीस्ट टू आर पैरेलल, ओके, अदरवाइज एटलीस्ट वन इज, एटलीस्ट वन इज जीरो, या तो एक जीरो हो जाए तो ही बात बन जाएगी, एक जीरो हो जाए या दो पैरेलल हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ऐसे निकलता है, मैं भी लिखूंगा इसका मीनिंग क्या निकलता है, ये देखिएगा, इसका मीनिंग ये निकलता है कि मैं लिखना चाहता हूं आपका ए बी बी, तो इसका आंसर क्या हो गया, जीरो। ए बी सी ए बी ए लिख दिया मैंने तो भी देखो तो दो हमारे पास यूज हो गया सेम सेम, ये जीरो हो गया अच्छे। यहां लिखूंगा मैं ए सी सी तो भी इसका रिजल्ट क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो जाएगा जीरो, सही है ना। ये तो अपने पास हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। नेक्स्ट में बात करता हूं, नेक्स्ट में बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, क्या है टेट्राहेड्रन। नेक्स्ट लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ, नेक्स्ट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन, अच्छा टेट्राहेड्रन से क्या होता है पता है ना, ये सेम ले लिया उसे, ऐसे ले लिया हमने ये दिस वन, ये उठाया यहां से, ये लाया से, ऐसे मीथेन आपने देखा होगा, मीथेन का जो शेप बनता है वही शेप यहां होता है टेट्राहेड्रन से, ये से ठीक है, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो मीथेन का जो शेप होता है बच्चे, ऐसे लिखते हो सी एच फोर, ऐसे लिखते हो एच एच एच, ठीक है ना, और एक लिखते हो यहां से एच, तो उसमें दो हाइड्रोजन एटम के बीच कितना एंगल होता है याद है ना,
एक क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इन केस ऑफ मीथेन। ये होता है आपका, इस दोनों के बीच का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये होता है बच्चे 109 डिग्री 28 मिनट। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो शेप बनेगा हमारे पास, ये जो शेप बनेगा बच्चे हमारे पास ऐसे, ये टेट्राहेड्रल शेप बनता है, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ऐसे टेट्राहेड्रल शेप। ये 1/6 होता है, 1/6 ऑफ पैरेलल पाइप, दिस इज द 1/6 ऑफ पैरेलल पाइप। पैरेलल पाइप का 1/6 पार्ट होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, इसे टेट्राहेड्रन भी बोला जा सकता है, इसे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं आप टेट्राहेड्रल बोले या टेट्राहेड्रल बोले, दोनों बात एक ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता हूं मैं, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता हूं बच्चे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अब लिखता हूं रेसिप्रोकल सिस्टम। अब मैं लिखता हूं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अब आप पूछोगे यार, बोलोगे यार, बोलो ना, आप पूछोगे क्या रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर होता ही नहीं है, रियल है, ये सच्चाई है, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता ना, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता। तो वेक्टर का डिवीजन नहीं होता फिर रेसिप्रोकल वर्ड कहां से आ गया, रेसिप्रोकल वर्ड आएगा डिवीजन नहीं होता पर उसके लिए तरीका लाएंगे, तरीका क्या लाएंगे, सपोज करो लेट मान लो ए डैश बी डैश एंड सी डैश बी द रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए बी सी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ओके ए डैश बी डैश सी डैश क्या है, ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है वेक्टर्स ए बी सी के लिए, ठीक है। अब यहां करना क्या, वेयर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया बच्चे ए डॉट ए डैश ये वन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वन, अगर देखोगे टू का रेसिप्रोकल होता है 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, बिल्कुल सही है। फिर क्या करेंगे, a को a डॉट a डैश करोगे तो 1 आएगा, b डॉट b डैश करेंगे तो भी 1 आएगा, c डॉट c डैश करेंगे अगर ये रेसिप्रोकल है तो 1 आएगा। इसके लिए नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है, ऐसा कब होगा, जब a डैश का वैल्यू बी डैश का वैल्यू सी डैश का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ए डैश का मतलब होता है बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी सी, बी डैश हो गया आपका सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, बिल्कुल सही है, है ना। ये देखेंगे तो सी डैश की बात करेंगे, सी डैश की बात करेंगे तो यहां हो गया आपका ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी, सही है। ये तो बस कंडीशन आ गया, अब इस कंडीशन से फायदा क्या मिला चेक करते हैं, अपन चेक करते हैं a डॉट a डैश की बात करूं मैं, चेक करूंगा मैं अभी, देखो तो a हमारे पास क्या है वेक्टर a हो गया बच्चे, a डैश हो गया b क्रॉस c, इसको बोलते हैं नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ऐसा है तभी इसको रेसिप्रोकल बोलेंगे अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो b हमारा a डैश का हो गया, ये हो गया आपका b क्रॉस c अपॉन a बी सी, वेरी गुड, अपॉन a बी सी हो गया। तो अब देखो तो a डॉट b क्रॉस c क्या होता है, a बी सी हो गया बच्चे आपका, ये हो गया आपका ए बी सी और यहां भी अपने पास आ गया ए बी सी, है ना, ए बी सी ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया, कट गया अपने पास, ए रिजल्ट हो गया 1। सो ए डॉट ए डैश की बात करेंगे तो 1 होगा, एंड सिमिलरली बी डॉट बी डैश की बात करोगे, ये हो गया अपने पास बी डॉट, ये हो गया आपका सी क्रॉस ए, बिल्कुल सही है अपॉन ए बी सी दिस वन। अब ये क्या हो गया, देखो तो अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया, देखो क्या ऊपर हो गया बी सी ए, नीचे अपने पास यहां आ गया ए बी सी, सही है। ये कट के हो गया 1 क्योंकि रोटेशन की बात करोगे ए बी सी बी सी ए सी ए बी सब बार बार रोटेशन में सेम आता रहेगा, तो बी सी ए कैन बी रिटन एज ए बी सी, सही है ना, आर गेटिंग, आ रहा समझ में, चलिए बिल्कुल सही है। ये हो गया पद्धति सेंसर, नेक्स्ट में बात करता हूँ, ये था आपका रेसिप्रोकल सिस्टम, नेक्स्ट बात करते हैं, इसको जस्ट कॉपी करो ओके, और रिस्पॉन्स करते चलेंगे, आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस माय डियर, मैं आपका नोटिफिकेशन देख पा रहा हूँ ओके, इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम सो जस्ट रेज योर हैंड माय डियर, अगर आपको परेशानी हो रही है तो हैंड रेज करते चलेंगे।
जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं और जो बच्चे क्लास में, हम चाहिए हो गया आपका, ओके हो गया, ओके बन गया ना, ओके सर। आप इसको कॉपी करते चलेंगे, फास्ट करते चलेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम सा नहीं हो। सबसे सिंपल टॉपिक है बेटे, वेक्टर थ्योरी में तीन क्वेश्चन गारंटेड होता है। वेक्टर थ्योरी में मेंस में एडवांस में तीन क्वेश्चन की गारंटी होती है, आसानी से बनता है तीन क्वेश्चन। वो तीन क्वेश्चन कब बनेगा, जब आपका कमांड होगा, लगभग छः से छः क्लास वेक्टर और चार क्लास थ्री डी, दस क्लास में तीन क्वेश्चन का कमांड तो ठीक से करे रहेंगे तो चाहते हमारे नंबर फोकट का फ्री का फ्री फ्री मतलब फ्री समझते हो ना, फ्री मिलता है तो फ्री मिलेगा आपको। अब आइए, ये हो गया हमारे पास स्कलर, इसकी बात कहा हमने, इसमें मैं तुरंत एक क्वेश्चन देता हूँ और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं भी, एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे इसी पैटर्न पे। मान लो लिखता हूँ मैं क्या, लेट ए डैश बी डैश सी डैश बी द रेसिप्रोकल, बी द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। आर एस पी लिखा जाता है शॉर्ट में, है ना, उसको लिखा हमने विद रेस्पेक्टिवली। अब यहां क्या करोगे, ये तो हो गया भाई, तो क्या है क्वेश्चन में, देन क्वेश्चन क्या है नंबर वन में, नंबर वन में हमारे पास है ए डैश डॉट ए प्लस बी, बी डैश डॉट बी प्लस सी, सी डैश डॉट सी प्लस ए। इसका वैल्यू चाहिए आपसे, ऐसा वैल्यू कौन सा बच्चा बताएगा, इन योर व्यू उधर से सुचेतना आप बताइए, रिया कोई सोती, थ्री ओके थ्री बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्या थ्री कैसे होगा, ए डैश डॉट ए, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया बच्चे, ये हो गया वन, ये हो गया वन, ये हो गया वन, ये आंसर हो गया आपका थ्री, बिल्कुल सही है थ्री हो गया। इसके साथ डॉट करोगे ए डैश बी की बात करोगे तो ये तो हो गया बच्चे ए डैश समाप्त हो गया बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी डॉट बी जीरो हो गया, बी सी बी हो गया तो जीरो हो गया ना, तो बाकी के साथ ये जीरो दे देगा, ये इसके साथ जीरो दे देगा, इसके साथ ये जीरो दे देगा, लड्डू दे देगा, तीन लड्डू हो गए खाले यार, तो आंसर हो गया वन वन वन, आंसर हो गया थ्री। अब मैं इसकी बात करूंगा नंबर फिर से, अब यहां लिखना चाहता हूं मैं ए डैश डॉट, अब यहां लिखूंगा मैं बी प्लस सी, अब देखूंगा कौन जवाब देता है पहले। इसमें बच्चों की बारी है, लड़कों की बारी है, लड़के बताएंगे क्या हो रहा है आंसर, सी डैश ए प्लस बी। आइए कोई स्टूडेंट्स बॉयज में बताएगा बच्चे, एनी ऑफ स्टूडेंट्स बताओ आंसर क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं आंसर, जीरो क्या लिखा जी, ए डैश बी प्लस सी है, इसका जीरो लिख दो ना। अरे यार ए डैश का मतलब हो गया बी प्लस सी अपॉन ए बी सी होता है, पता है ना, सिंपल सी बात हो गया ना बेटे, बी क्रॉस सी डॉट बी हो गया, क्या हो जाएगा ये बी सी बी जीरो हो जाएगा, अब बी क्रॉस सी डॉट सी हो गया बी सी सी ये भी जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डिफरेंट के साथ ये जीरो हो जाता है, अपने साथ वन होता है, इसका आंसर हो गया लड्डू हो गया जीरो, सही है ना। अब इस पर नई बात करता हूं मैं, एक और मैं यहां लिखूंगा मैं क्या, आइए इसमें एक क्वेश्चन ये हो गया रेसिप्रोकल सिस्टम में, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, आइए अब इसे हटाइए, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, नेक्स्ट इसका पार्ट हो गया आपके पास क्या, अब आया एसटीपी हो गया, अब आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सही है ना, इसे बोला जाता है वीटीपी, छोटा सा थ्योरी है बस, छोटा सा इसे याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा आपका। ये क्या है बच्चे, ये हमारे पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सही है ना, इसे कैसे लिखेंगे, इसे तोड़ने का तरीका ए डॉट सी ऑफ बी और माइनस में ए डॉट बी ऑफ सी, ये हो गया आपके पास ए डॉट सी ऑफ बी माइनस ए डॉट बी ऑफ सी, सही है, कैसे रखोगे ए डॉट सी ऑफ बी माइनस में ए डॉट बी ऑफ सी, ये हो गया आपकी मर्जी की, सर ऐसा नहीं रहता तो क्या करते, अगर ये उल्टा रहेगा तो क्या करोगे, अगर ये रहेगा बच्चे तो क्या करोगे, कोई टेंशन नहीं, यही सेम काम सी डॉट ए ऑफ बी, ये हो गया आपका सी डॉट ए ऑफ बी माइनस सी डॉट बी ऑफ ए, ये हो गया सी डॉट बी
ऑफ ए, ये कंडीशन वन आपका, ये आपके पास था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब मैं आता हूं इसमें फोर वेक्टर्स की बात करता हूं। अब मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ फोर और मोर, फोर वेक्टर्स, क्वेश्चन में मोर आएंगे, फिलहाल फोर की बात करें अपन। जरा फोर वेक्टर्स की बात करूं मैं, यहां लिखता हूं मैं ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। अब ये क्या करोगे बच्चे, ये होगा आपका ए सी बी डी, ये होगा आपका ए सी बी डी, मतलब क्या हुआ ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस, अब लिखोगे ए डी बी सी, ए डी बी सी, सही है ना। फिर सुनेंगे ए सी बी डी माइनस में ए डी और बी सी, ये लिखेंगे आप, याद होगा तो प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स में इतना ही बस काफी है, इतना आसानी से बनता है। आप देख पा रहे हैं कैसे आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसको मैं बाय द वे प्रूफ करने का मन हो प्रूफ कर सकते हैं आप, इसको एम मान लो ना मान लोगे आपका आराम से बन जाएगा। अब मैं लिखता हूं क्या नेक्स्ट में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, अब इसकी बात करेंगे। अब देखता हूं क्या है, जब देखो तो यहां से इसी फॉर्म में कैसे आएगा, ये हमारे पास क्या बच्चे अभी आपको लिखा था हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी में क्या किया था आपने याद करोगे, जो कितना आसानी से हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट सी ऑफ बी माइनस ए डॉट बी ऑफ सी, ए लिखा था ना, कुछ नहीं करना, ए दिस डॉट सी, इसका मतलब हो गया क्या, दिस डॉट डी, ये हो गया आपका ए बी डी ऑफ सी माइनस, अब दिस डॉट दिस ऑफ बी, ये हो गया आपका ए बी सी ऑफ डी, सही है। अब आपका मर्जी हो गया उल्टा चलने का, क्या हो गया उल्टा चलने का, मर्जी हो गया आपका, इंटेंशन आ गया, सर उल्टा में चलूंगा तो क्या करोगे, आइए भाई ऐसे आइए, सी डॉट करता हूं सी ए ए सी सी डी ए, ये हो गया आपका सी डी ए ऑफ बी माइनस सी डी बी ऑफ ए, सी डी बी ऑफ ए, बिल्कुल सही है, ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया, पूरी थ्योरी इसकी हो गई आपका प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर वेक्टर्स की सारी थ्योरी यहाँ हो गया। अब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, अब बहुत मस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे अपन, अभी मैं लिखता हूँ कुछ क्वेश्चन आपके सामने, कैसे लिखूंगा देखिएगा। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से क्वेश्चन है, अब दो से क्वेश्चन में लिखता हूँ क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर वन द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ क्या है ए प्लस बी बी प्लस सी C प्लस ए, राइट 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 दिस वन, इसका वैल्यू चाहिए, ये लिख दिया एम ऑफ ए बी सी, ये लिखा आपने, अब बताओ एम का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू आपको चाहिए, एम का वैल्यू क्या होगा, सही है ना। नंबर टू की बात करूंगा मैं, अब यहां लिखूंगा मैं ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, बिल्कुल सही है, ये रहा आपके पास। अब ये भाई बच्चे क्या हो गया इसकी बात करोगे, नंबर थर्ड की बात करेंगे, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इसकी बात करोगे ये देखो क्या आपके पास आया, इसको मैं लिखना चाहता हूं ए बी सी, पावर में लिख दिया एम, एम का वैल्यू चाहिए क्या होगा, सही है ना। अब जब देखा जाए कितना आसानी से बनता है बच्चे, कितना आसानी से तीनों प्रूफ होता है। और फिर इसमें मैं लिखूंगा चौथा नंबर क्वेश्चन लिया आपके पास, तो फोर्थ नंबर लिखता हूं इसमें से ए क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B, ये क्वेश्चन का ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसको देखता हूँ इसका वैल्यू क्या लाओगे कैसे लाओगे, कुछ नहीं करने का, देखो बच्चे फोर्थ से स्टार्ट करता हूँ मैं, कैसे बनेगा तो देखो मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन, फोर्थ की बात करता हूँ पहले से, ये हो गया A डॉट C और B, A डॉट C और B ओके माइनस ए डॉट बी ऑफ सी, ए डॉट बी ऑफ सी, ठीक है, वेक्टर का नोटेशन लास्ट में दे देना, कोई टेंशन नहीं है, पहले बनाने से मतलब है प्लस। अब इसकी बात करोगे बी डॉट ए ऑफ सी, ये होगा बी डॉट ए ऑफ सी माइनस बी डॉट सी ऑफ ए, प्लस इसकी बात करोगे तो ये होगा सी डॉट बी ऑफ ए, ये होगा सी डॉट बी ऑफ ए माइनस सी डॉट ए ऑफ बी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चे। अब देखो क्या करना, अब इसे देखो क्या करना, यहाँ से बी है, अच्छा देखो दो ए डॉट सी चाहे सी डॉट ए सेम होता है, यहाँ से कैंसिल ए डॉट बी सी, यहाँ से कैंसिल बच्चे, सी कहाँ कहाँ है
ए डॉट बी, ए डॉट बी कैंसिल, बी डॉट सी, सी डॉट बी कैंसिल हो गया, आंसर हो गया आपका बड़ा बड़ा लड्डू, है ना, ये हो गया आपका गोल कलर, किसको बोलते हैं आप, गोल कलर लड्डू बन गए, है ना, सीधे हो गए जीरो, और बड़ा लड्डू बना दो अच्छा लगेगा, उसको आराम से खा सकते हैं आप, उसको पूरा लड्डू डिजाइन करो आप, ये हो गया आपका लड्डू, सही है। अब मैं बनाता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट, आपको मजा आएगा कि क्वेश्चन फर्स्ट कैसे बनेगा, इसे कॉपी करने आप फास्ट कॉपी करते चलें, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे है ना, ध्यान दें इधर, ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग आराम से लिखते चलिए, और जहाँ परेशानी हो आप टोकते रहिए, है ना, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा रहने का एहसास दिखाते रहें, बीच से बोलते भी रहें, सही है ना। अब मैं बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके सर, है ना, अब बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसकी बात करेंगे, कुछ नहीं करने का, फर्स्ट की बात करूंगा मैं, ए प्लस बी बिल्कुल सही है ऐसे, डॉट है ना, इसके लिए ये होगा अपने पास बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ए लिखते हो ना, ए लिखते हैं ना, दिस 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 लिखते हो, ए बी सी होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हो, बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए लिखा आपने, क्रॉस को ठीक से लिखेगा, ये वैल्यू होगा ए प्लस बी, अच्छा बिल्कुल सही है, अब यहां ठीक करोगे बी क्रॉस सी हो गया, B क्रॉस C हो गया प्लस B क्रॉस A हो गया, B क्रॉस A हो गया, अच्छा C क्रॉस C जीरो हो गया, ये जीरो हो गया भाई साहब, लड्डू हो गया, अब ये बचेगा C क्रॉस A, दिस वन, अब जरा चेक करो क्या बना, अब यहां से देखो तो A के साथ डॉट लाओगे, A के साथ लाओगे आप, यहां से ये बनेगा इसके साथ A डॉट B, B क्रॉस C, ये बन गया आपका A B C, बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे तो यहां बन गया A B A, ये जीरो हो गया, इसके साथ चलोगे ए सी ए, ये भी जीरो हो गया, इसके साथ करोगे तो ये भी जीरो हो गया, इसके साथ करोगे तो ये भी जीरो हो गया, क्योंकि ए बी बी ए बन जाएगा, लास्ट बचेगा बी सी ए, लास्ट क्या बचेगा बी सी ए, बी सी ए बचेगा, बिल्कुल सही है, ये हो गया, आप जानते हो रोटेशन में ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी सब सेम होता है, तो टू टाइम हो गया अपने पास, ये हो गया टू टाइम ए बी सी। अब देखो तो एम का वैल्यू क्या है बच्चे, एम का वैल्यू टू आ गया ना, इसे उतार लेना, इसे कॉपी करते चलेंगे आप, मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या बच्चे, थर्ड नंबर की बात करेंगे, थर्ड नंबर की बात करेंगे, ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, राइट, ये अपने पास है, इसे हटाइए, बाकी को हटाइए आप, और कुछ नहीं करना, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया ए क्रॉस बी डॉट, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, दिस वन, ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉट, अब इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया अच्छे, इसके साथ चलोगे तो बी सी ए, बी सी ए ऑफ सी माइनस बी सी सी, बी सी सी ऑफ ए, ये पार्ट तो लड्डू हो गया क्योंकि सी सी दो बार आ गया बच्चे, सी सी दो बार आ गया, ये पार्ट अपने पास क्या हो गया, ये हो गया आपका लड्डू, खत्म हो गया, बच क्या गया, ये बच गया बी सी ए कॉन्स्टेंट है, बी सी ए क्या है कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, ये बच गया आपका ए डॉट ए क्रॉस बी डॉट सी बचा, इसे भी लिखोगे ए बी सी, ये अपने पास आ गया ए बी सी, ये खुद ए बी सी बी सी हमने पहले कहा रोटेशन सेम है, ये हो गया अपने पास ए बी सी है ना, उसका लिख दिया होल स्क्वायर, सही है। एम का वैल्यू क्या हो गया, एम का वैल्यू आ गया टू। अब एक नया शानदार क्वेश्चन मैं देता हूँ आपके पास, बड़ा मजा आएगा जब मैं मिस कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ कि कैसे इस पे काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा आपके सामने, क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 5, दो क्वेश्चन आपका 5 और 6 मैंने लिख दिया बोर्ड पे, अब जो मैं 5 बनाता हूँ देखिए क्वेश्चन 5 कैसे बनेगा, क्या है क्वेश्चन, लेट ए एंड सी बी यूनिट वेक्टर्स एट एन एंगल पाई बाय 3, अच्छा ए ए और सी हमारा यूनिट वेक्टर है, एंगल उसके बीच है पाई बाय 3, एंड ईच अदर सच दैट
ये कंडीशन दिया हुआ आपके पास है ये फाइव, तो आपको बॉक्स एबीसी का वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं करने का, सिंपल सी बात करना, छे या क्या करना, देखोगे ए टू डॉट सी की बात करोगे, ए डॉट सी हो गया मोड ऑफ ए मोड ऑफ सी एंड कॉस थीटा, सही है ना। ए डॉट सी की बात करोगे, ए और सी क्या हमारे पास है, यूनिट वेक्टर है, ये हो गया वन वन वन, ये वन है बच्चा, ये वन है बच्चा। कॉस थीटा की बात करोगे, कॉस पाई बाय थ्री, कॉस में हो गया आपके पास पाई बाय थ्री, ये होता है हाफ। अपने पास क्या आ गया डाटा, अपने पास डाटा आ गया ए डॉट सी हो गया हाफ, क्या आ गया बच्चे, ए डॉट सी क्या हो गया हाफ, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करूंगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हो गया बड़ा सा दिस ब्रैकेट, यहां से बाहर आ गया ए क्रॉस सी, वाह। अब इसकी बात करूंगा, ये अपने पास फाइव चल रहा है, इसे ठीक करो आप, ये हो गया ए डॉट सी ऑफ बी माइनस ए डॉट बी ऑफ सी, सही है ना जी सर। ये अपने पास आ गया डॉट ए क्रॉस सी हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है, ये अपने पास हो गया फाइव। तो देखो क्या किया हमने, मैंने क्या बच्चे यहां से ए क्रॉस बी क्रॉस सी था ए डॉट सी ऑफ बी ए डॉट बी ऑफ सी, बिल्कुल सही है, यहां से अपने पास आ गया दिस वन। अब ये तो कॉन्स्टेंट है, ए क्रॉस सी कितना है, ए डॉट सी कितना है, हाफ आया है, ये अपने पास आ गया हाफ, इसको ठीक करोगे। और ए डॉट बी की बात करेंगे, ए डॉट बी की बात करेंगे, तो ए डॉट बी निकालते हैं, देखो क्या हुआ, ये अपने पास हो गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया बी ए सी, ये हो गया हाफ ऑफ बी ए सी, सही है ना, हाफ ऑफ बी ए सी माइनस में ए डॉट बी, अच्छा राइट, ये हो गया जीरो, क्यों हो गया जीरो, सी डॉट ए क्रॉस सी, सी ए सी हो गया, सी ए सी हो गया बच्चे, ये हो गया अपने पास लड्डू, ये बराबर हो गया फाइव। अब जानते हैं बी ए सी हो गया, बी ए सी, बी ए सी क्या हो गया, ये हो गया आपका हाफ इंटू फाइव टेन हो गया, आपको चाहिए था ए बी सी, रोटेशन चेक करेंगे तो ये बनेगा आपका ए बी सी, ए बी सी अपने पास हो गया माइनस टेन, ये आपका आंसर हो गया, चेक करें आप, चेक बैक, आंसर हो गया माइनस टेन, क्या रहा सर का आ रहा बच्चे, हाँ सर आ रहा है, लोकेश मानो सही है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, अब क्वेश्चन सिक्स देखेंगे, फाइव बन जाता है तो क्वेश्चन सिक्स को फोकस करेंगे आप, देखिए क्वेश्चन सिक्स कैसे बनेगा, सही है ना, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैं उसे रब कर दूं जी सर, कर दीजिए। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, बस परेशानी ये है अगर आपको वेक्टर का लैंग्वेज नहीं समझ में आता, वेक्टर का तरीका नहीं समझ में आता, तो वेक्टर आपको परेशान करेगा, अदरवाइज सबसे आसान क्वेश्चन वेक्टर से आते हैं। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करूँ, मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है बच्चे। अब मुझे चाहिए यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर ऑफ ए क्रॉस, यहाँ मुझे आर ए बी है, तो पहले इसका वैल्यू निकालता हूँ मैं, इसका वैल्यू क्या होता है आर ए बी, ये हो गया अपने पास आर, सही है ना, ये हो गया अपने पास आर, आर डॉट ए क्रॉस बी, ये लिखा आपने आर डॉट ए क्रॉस बी लिखा आपने, क्यों लिखा, आर ए बी को लिखेंगे, आर ए बी को लिखेंगे, आर डॉट ए क्रॉस बी लिखेंगे ना, लिखेंगे ना, लिखेंगे, बिल्कुल सही है, आर ए बी को लिखा गया ऐसे। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब यहाँ ठीक किया हमने, यही आर था, यहाँ हो गया ए क्रॉस बी हो गया बच्चे, तो देखो तो इसके साथ जीरो, इसके साथ भी जीरो, ये बचेगा केवल, ये बचेगा आपका थ्री टाइम, ये बचेगा थ्री टाइम सी ए बी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए कहते हैं ना, ए बी सी रोटेशन पहले बना लो आप, रोटेशन बना लोगे ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये हो गया अपने पास कितना वैल्यू है, इसका वैल्यू देखो तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप ए बी सी, ये कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ आपके पास टू यूनिट्स, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप दिया हुआ है आपका एज फोर टर्मिनस एजेस हमारे पास है टू यूनिट्स, ये अपने पास बॉक्स ए बी सी दे दिया टू यूनिट्स, राइट। अब देखते हो बच्चे क्या हो गया, ये अपने पास टू अगर है तो बन गया सिक्स, इसको हटा के लिख दोगे सिक्स, बिल्कुल सही है। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा हमारे पास हो गया सिक्स ऑफ ए, बीटा अपने पास क्या हो गया, गामा अपने पास क्या हो गया, ये देखिएगा, तो ये हो गया गामा, बीटा की बात करेंगे तो ये हो गया आर बी सी, यहाँ बी सी दिया बच्चे, अब यहाँ से बी सी लाइएगा, बी क्रॉस सी लाइएगा, यहाँ से ए बी सी बचेगा बाकी जीरो, तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी,
तो ये होगा आपके पास फोर, ये अपने पास हो गया फोर ऑफ बी। अब फिर से देता हूं मैं, आर सी ए लाना है, इसकी बात करनी है, सी क्रॉस ए लाओगे, सी क्रॉस ए लाओगे बच्चे, ये अपने पास सी के साथ जीरो, ए के साथ जीरो बचेगा बी के साथ, तो ये हो गया बी सी ए। क्या बना? ये बना बी सी ए। बी सी ए का मतलब हो गया ए बी सी, बी सी ए सब एक ही ऑर्डर में है, इसका वैल्यू हो गया टू, ये अपने पास हो गया टू ऑफ सी। बिल्कुल सही है, सबका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू हो गया फोर, ये वैल्यू आ गया टू, सही है ना। अब इसे हटा दो मैं, अब जरा देखो तो आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था अल्फा बीटा गामा, आपको चाहिए अल्फा बीटा गामा, ये वैल्यू चाहिए आपको, दिस वन, ये अपने पास हो गया सिक्स, फोर टू बाहर निकाल लो, है ना, कितना हो छः सौ चौबीस दो अड़तालीस फोर्टी एट, फोर्टी एट बाहर आ गया बच्चे, अंदर आ गया ए बी सी, अंदर क्या आ गया ए बी सी, ये अपने पास हो गया 48, ये अपने पास है 2, ये अपने पास आ जाएगा 96, और ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? Answer. ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया, कितना आसान है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लास यहीं तक, थैंक यू माय डियर, ओके, कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो लेक्चर, एंड इफ इट लाइक टू यू, अगर आपको अच्छा लगता है काइंडली सब्सक्राइब, है ना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।